व्यू लेकर चल रहे हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा सेटअप दिख रहा है पीछे। हाँ, कब तक छिपा के रखेंगे? हाँ, मैं कहा कि सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा है, बताइए क्या कह रहा है आपका सेटअप? तो सेटअप तो ऐसा है कि देखो, बड़े लोगों ने तेजी कर ली, अडानी अंबानी और फोकस है बिल्कुल लार्ज कैप्स पे अब तक, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की चार्ट्स ने पिछले 10 दिन लगातार जो भी 7-8 दिन करेक्शन चला, लार्ज कैप्स ने कंटिन्यूअसली ये सिग्नल्स दिए कि मिड कैप्स घटने को तैयार नहीं है। तो न तो वो घटे और बढ़ने में भी वो अपना समय लगा रहे थे, बाजार का जो भी छद्म है अब मुझे लगता है मिड कैप्स का भी नंबर आ जाएगा। और इंडेक्स अपने आप में एक बड़ी जटिल चीज है इस वक्त। बजट देखिए, एक तो जब भी नया सेटलमेंट स्टार्ट होता है, अगर लास्ट 7-8 दिन में पिछले सेटलमेंट की एक तरफा तेजी या मंदी होती तो रिवर्सल बनता है, लॉन्ग वीकेंड में भी रिवर्सल 80% टाइम बन जाता है। तीसरी चीज है कि बजट के अंदर बड़ा रिवर्सल बनता है, 92% ऑफ द टाइम्स 47 बजट में मार्केट रिवर्स हो गया, चाहे तेजी का था चाहे मंदी का था। फिर इस वीक में FOMC और दुनिया भर के रिजल्ट्स हैं। तो मैं कहता हूं इंडेक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान न देके इंडिविजुअल पोजीशंस को बनाई जाए और पैसा तेजी करके ही बनेगा। अनुज आप पिछली बार बिल्कुल राइट हो गए थे, राम मंदिर की स्थापना की डेट से 1000 पॉइंट का करेक्शन, और मैं रह गया था कि स्टॉक्स नहीं छोड़ेंगे, वापस तेजी चलेगी, तो आप अपनी जगह राइट हुए, जो एक ब्रिलियंट कॉल था। और जो व्यवस्था है बहुत सारी पोजीशंस को एक साथ लेके चलने में कि आप कंप्लीटली शॉर्ट नहीं हो सकते, वो हमारी व्यवस्था थी। तो अब बाजार वापस वही तेजी के सौदे करके पैसे बनाने का लौट आया है।